हेलो फ्रेंड्स, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 9वीं के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न की एक सीरीज है, जिसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं आध्यात्मिक पर्यावरण, ऋषियों की खोज, नैतिक शिक्षा, अपना देश, इतिहास, महापुरुष, संस्कृति के व्यापक पहलू, स्वास्थ्य, आसन, प्राणायाम, खेल एवं विज्ञान संबंधित ज्ञान प्रदान करने वाले बहुमुखी प्रश्न। इस सीरीज में हमारा प्रथम प्रश्न है, 18 जून 2016 को जो महिलाएं फाइटर बनी, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहना सिंह, तीनों ही 18 जून 2016 को महिलाएं फाइटर बनी थी, इसलिए डी ऑप्शन ए बी सी तीनों ही हमारा करेक्ट आंसर है। आंख में पट्टी और तराजू लिए महिला प्रतीक चिन्ह है न्याय का, समानता का, मित्रता का या फिर विरोध का। आंख में पट्टी और तराजू लिए महिला प्रतीक चिन्ह है न्याय का। मोहम्मद इकबाल की रचना है बंगे दरा ए जानिल, अतीत के चलचित्र ए और बी। बंगे दरा और ए जानिल दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इसमें ए बी दोनों लिखा है। 1930 में जिस भारतीय को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, चंद्रशेखर रमन, डॉक्टर बाबा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृत सेन। 1930 में भौतिकी के लिए भारत को जिसे नोबेल पुरस्कार मिला वो थे हमारे चंद्रशेखर रमन। अतुल्यम नामक राज्य साक्षरता मिशन के अंतर्गत 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त राज्य 13 जनवरी 2016 को जिसे घोषित किया गया, केरल, कर्नाटक, बिहार और असम। जो 100% शिक्षक प्रतिशत घोषित किया गया वो है हमारा केरल राज्य। भारत का वह राज्य जो पूर्णतया जैविक विधि से खेती करने वाला राज्य बना, सिक्किम, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसमें हमारा करेक्ट आंसर है सिक्किम, सिक्किम हमारा पूर्णतया जैविक खेती वाला राज्य बना। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है सुपर 35/93/2, परम 20,093, 93/2 इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम आयु हो सकती है 70 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 65 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम आयु हो सकती है 70 वर्ष। भारत का क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल का है 2.4%, 34%, 44% या 43%। 2.4% इज करेक्ट आंसर। भारतीय जीवन मूल्यों का आधार है जीवन के प्रति आस्था, विवेकशील चिंतन, परिवेश बोध एवं लोक कल्याण। तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, इसीलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इसमें ए बी सी तीनों लिखा है। भारतीय जीवन मूल्यों के अंतर्गत कर्म करने के साथ ही फल की प्राप्ति हो जाए वह कहलाता है क्रियामान, संचित, प्रबंध, ए बी सी तीनों। भारतीय जीवन मूल्यों के अंतर्गत कर्म करने के साथ ही फल की प्राप्ति हो जाए वह कहलाता है क्रियामान। ईश्वर प्लस ए की संधि से बना शब्द होगा ऐश्वर्य, ईश्वरीय, ऐश्वर्य या फिर इसमें से कोई नहीं, ऐश्वर्य इज करेक्ट आंसर। कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना में, भारत में, रूस में या एबीसी तीनों में। करेक्ट आंसर है हमारा बोत्सवाना में। राष्ट्रीय महिला आयोग में प्रथम पुरुष सदस्य का नाम है आलोक रावत, के बी के सुंदरम, जे एल कपूर, एच आर खन्ना। करेक्ट आंसर है हमारा आलोक रावत। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार हैं स्मितानंद पान, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या फिर तीनों। करेक्ट आंसर है हमारा स्मितानंद पान। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थित है नई दिल्ली, हैदराबाद, तिरुपति या मैसूर। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ हमारे तिरुपति में उपस्थित है। जो सम्मिलित नहीं है आंध्र प्रदेश, गोलकोंडा, उत्तर प्रदेश, फूलों की घाटी, असम, कामाख्या मंदिर, राजस्थान, माउंट आबू। उत्तर प्रदेश में फूलों की घाटी नहीं है, इसीलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान स्थित है नई दिल्ली, भोपाल, जयपुर या फिर कुरुक्षेत्र में। करेक्ट आंसर है हमारा नई दिल्ली। वंदे मातरम का प्रकाश अंग्रेजों द्वारा बंद करने के बाद अरविंद के विचार जिन पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे, मराठा, अंग्रेजी में कर्मयोगिनी, बंगला में धर्म। अंग्रेजी में कर्मयोगिनी और बंगला में धर्म दोनों में ही प्रकाशित होते थे, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। गीता, निबंधावली, योग समन्वय तथा वेद रहस्य जिन मनीषी के महत्वपूर्ण लेख थे वो थे विनोबा भावे, महर्षि अरविंद, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर है महर्षि अरविंद। कन्याकुमारी में
जिन्होंने संकल्प लिया जब तक भारतवर्ष में ग्राम राज्य की स्थापना नहीं होगी तब तक मेरी यह यात्रा जारी रहेगी। वे थे विवेकानंद, विनोबा भावे, महर्षि विद्यापति, महर्षि रमन। करेक्ट आंसर इज विनोबा भावे। राजा रामन राय के जीवन चरित की रचना जिस विदेशी ने की थी, कर्नट फिट सकलाइंस, टॉम समूर, मिस मेरी कारपेंटर या फिर मैक्स मुलर। करेक्ट आंसर है मिस मेरी कारपेंटर। आदित्य शंकराचार्य एवं मंडन मिश्र के मध्य हुए साक्षात्कार में नायक की भूमिका जिस विदेशी ने निभाई थी, गौतमी, मैत्री, लीला या फिर भारती। करेक्ट आंसर है भारती। इन बौद्ध अनुयायियों में जो सम्मिलित नहीं है, प्रसन्नचित शासक, अनाथ पिंडक, धनी व्यापारी, जीवक, चिकित्सक या फिर चुन राजकर्मचारी। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, चंद्र राजकर्मचारी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठों में से जो सम्मिलित नहीं है, उत्तर दिशा में ज्योति मठ, दक्षिण श्रृंगेरी मठ, पूर्व गोवर्धन मठ या फिर पश्चिम में चैतन्य मठ। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, पश्चिम चैतन्य मठ। विश्व धर्म शांति सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन अक्टूबर 1917 में जिस देश में संपन्न हुआ, अमेरिका, भारत, जापान या फिर फ्रांस। करेक्ट आंसर इज जापान। इजराइल वासियों का मूल धर्म है ईसाई, वाही, इस्लाम या फिर यहूदी। यहूदी इज करेक्ट आंसर। जरतुष्ट जिस धर्म के संस्थापक हैं, यहूदी, ताओ, बहाई या फिर पारसी। इज करेक्ट आंसर। 1942 में सुभाषचंद्र बोस ने बर्लिन में जो मासिक पत्र जर्मन व अंग्रेजी भाषा में प्रारंभ किया, आजाद हिंद, इंडिया, स्वतंत्र भारत, ABC, तीन, आजाद हिंद इज करेक्ट आंसर। राजा राममोहन राय द्वारा कोलकाता में जिन शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई थी, प्रेसिडेंट जी कॉलेज, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज इज करेक्ट आंसर। इसलिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो शहर पूर्व का मोती कहलाता है, सिंगापुर, टोक्यो, दार्जिलिंग, काठमांडू। सिंगापुर इज करेक्ट आंसर। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फिग्नोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन, स्फिग्नोमीटर इज करेक्ट आंसर। ताबो मठ नामक बौद्ध मठ स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में। आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। बुद्ध समुद्र रचना है जयशंकर प्रसाद की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, अमित लाल नागर की या फिर श्याम सुंदर दास की। करेक्ट आंसर है हमारा अमित लाल नागर की। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस लिखी है रास बिहारी बोस ने, लाला लाजपत राय ने, विपिन चंद ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। करेक्ट आंसर है हमारा सुभाष चंद्र बोस। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है जोहानिसबर्ग में, मॉस्को में, पेरिस में या फिर नैरोबी में। करेक्ट आंसर है हमारा पेरिस में। चार धर्मों में से एक द्वारका का वाणिक नाम था कुशस्थली, द्वारवती, कृष्णापुरी या फिर ए बी दोनों। ए और बी कुशस्थली और द्वारवती दोनों ही करेक्ट आंसर है। इसलिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अयोध्या में जैन धर्म के कितने तीर्थकारों का जन्म स्थान रहा, 1, 5, 2, 10। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 5। सन 404 में चीनी यात्री फैयान ने पोतान के बारे में जो कहा, निवासी बौद्ध हैं, दरगाह के निकट स्तूप बने हैं, क्षेत्र में 14 बड़े संगाराम हैं। तीनों ही कहा था, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ईरान में उपलब्ध शिलालेखों के आधार पर इतिहासकारों के अनुसार वहां जिस ऋषि का वर्चस्व था, कश्यप ऋषि, अति ऋषि, सोना क्या फिर बाद बार। करेक्ट आंसर है हमारा कश्यप ऋषि। ये थी हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 9वीं की बहुविकल्पीय प्रश्न की सीरीज, जिसमें प्रश्न 1 से 40 तक के प्रश्न थे। आगे के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।